उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में चीन सीमा से जुड़ी दो सीमांत सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसी सप्ताह महाराष्ट्र में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इन सड़कों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। वहीं केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के प्रस्ताव पर तकनीकी दिक्कतों के चलते चर्चा नहीं हो पाई। सीमांत उत्तरकाशी के नीलांग वैली में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली सड़क सुमला से थांगला तक कल कुल लंबाई 11 किलोमीटर बननी है। इसके लिए 30.39 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है। इस सड़क का इस्तेमाल आईटीबीपी बॉर्डर तक जाने के लिए पैदल ट्रैक रूट के तौर पर करती है। दूसरी सड़क मंडी से सांगचोकला तक कुल लंबाई 17.60 किलोमीटर बननी है, जिसके लिए 31.76 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इन सड़कों के सामरिक महत्व को देखते हुए वन भूमि हस्तांतरण के साथ निर्माण को मंजूरी दी गई है। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।